सो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय और मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ इस चैनल पर लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो आज की जो जॉब वैकेंसी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कंपनी की बात करें तो आपकी रहेगी इंडिया मार्ट, जहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल देखने को मिल जाती है टेली एसोसिएट की। अब ये टोटली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, रिमोट वर्क यहाँ पर आपका रहने वाला है। कहीं से भी किसी भी टाइम इस जॉब को आप अप्लाई करके यहीं से काम करना शुरू कर सकते हैं। बस आपकी यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है, आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली एसोसिएट का ये वर्क रहेगा, जहाँ पर इंडिया मार्ट ऑफरिंग कर रहा है एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पर आपको एज ए फ्रीलैंसिंग वर्क देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ मैं, कुछ इनके जो रोल्स हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की नीड रहने वाली है। तो वॉइस बेस्ड कॉलिंग आपकी ये रहेगी यहाँ पर, जहाँ पर आपको डेटा एनरिचमेंट का वर्क देखने को मिलेगा। नॉन सेल प्रोफाइल आपकी ये रहेगी, साथ में यहाँ पर आपका जो काम रहेगा वो कहीं से भी किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं और वीकली पे आउट यहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ पर आपको उसके साथ साथ एक्साइटिंग बोनस भी देखने को मिल जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंटरनेट आपके पास रहना चाहिए, साथ में आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी रहना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी आपकी मैंडेटरी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, किस तरीके से आपका यहाँ पर काम रहेगा उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको कस्टमर से कम्युनिकेशन करना होगा वाया व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या फिर IVR ओनली, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है आपके कुछ सिंपल स्टेप्स। तो आपको जो है ये कुछ स्टेप मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो इनको अच्छे से देख लो। 4 स्टेप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। पहला जो है आपको अपनी पर्सनल जो प्रोवाइड करनी है डिटेल, इनको जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से करना है मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो पहले हम 4 पॉइंट की उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल देने के बाद 2nd पॉइंट पे चलेंगे, कंप्लीट अ स्मॉल टेस्ट, यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, उसके आंसर की वगैरह सब मैं दे दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्रिएट योर सेल्फी वीडियो इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट एंड अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी बनानी है, सेल्फी बनाने के साथ साथ उसमें क्या बोलना है वो आगे आपको फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। सेम जो है आपको उसको पढ़ना है और उसकी जगह जहाँ पर ब्लैंक होगा वो मैं आगे आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको अपना नेम ऐड करना है, ठीक है, और एक सेल्फी वीडियो बना के जो है आपको ड्राइव पर अपलोड करना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 4th पॉइंट की बात करें, कीप रिक्वेस्टेड एंड डॉक्यूमेंट रेडी टू अपलोड, तो यहाँ पर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने पास रख के रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ टाइम मिलेगा कि इतने टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने फिल कर लेना, ठीक है। तो डिले मत करना किसी भी चीज़ के लिए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, रिज्यूम हैं, अपना साथ लेके बैठना जब भी आप इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। उसके साथ अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अप्लाई प्रोसेस पे, किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है वो सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो ये जॉब है वो फीमेल्स के लिए रहने वाली है, इस चीज़ का भी ध्यान देना, फीमेल्स के लिए ये बेस्ट जॉब है। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट है, 12th पास है, तो इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा अप्लाई प्रोसेस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इंडिया मार्ट के करियर पेज पर, इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इंडिया मार्ट की ये जॉब है, जहाँ पर फीमेल्स के लिए ये जॉब निकली है, और यहाँ पर टैली एसोसिएट की जॉब है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। फ्रीलैंसिंग कॉलिंग वर्क आपका ये रहने वाला है, जहाँ पर आपको 9 सेल्स एंड टेलीकॉलिंग की ये जॉब प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, ठीक है। टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। इंडिया मार्ट टैली एसोसिएट फ्री सेलर एनरिचमेंट, ये आपकी जो प्रोफाइल है इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज प्रोग्राम ओनली फॉर फीमेल्स, ठीक है। इंडिया मार्ट इज ऑफरिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू एज ए वर्क फ्रीलैंसर, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। अभी मैं आपको जो मेन पॉइंट है उस पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको कुछ न्यू इंटरफेस अपीयर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के इसके बारे में समझ सकते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल होगा, वो रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, तो वो सारी जो भी आपकी क्वेरीज है ना वो इसमें शॉर्ट हो जाएगी, और कोई भी किसी को किसी भी चीज़ का डाउट हो
कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव यू अंडरस्टूड जॉब प्रोफाइल, तो यस कर देना है आपको। देन डू यू वांट टू कंटिन्यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, यस करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक प्रोफाइल डिटेल है, तो इसको ये मत समझना कि ये टेस्ट है अभी, ठीक है, ये अभी टेस्ट नहीं है। टेस्ट जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। हैव यू बीन रेफर्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर दिस प्रोफाइल, तो चूज करना है आपको यहाँ पर नो, या फिर आप येस भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर हैव यू बीन रेफर्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर दिस प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कहाँ से आपको इस जॉब के बारे में पता चला। तो सिंपली आप जो है यूट्यूब कर सकते हैं या फिर इंडिया मार्ट करियर पेज पे जाके कर सकते हैं, तो आपका जो भी ठीक लगा आपको वो कर देना, और देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फुल नेम यहाँ पर अपना मेंशन करना है। फुल नेम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है। हैव यू सीन द वीडियो एंड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट्सएप इंस्टॉल एंड रजिस्टर नंबर ऑफ दिस प्रोसेस, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को पहले देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा वरना, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से टाइम लेके देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको येस कर देना है। इसको करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है जहाँ पर आपको अपना नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है जिसमें आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल हो। तो व्हाट्सएप वाला नंबर यहाँ पर आपको देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इज व्हाट्सएप इंस्टॉल ऑन द अबव रजिस्टर मोबाइल नंबर यू हैव शेयर्ड विद अस, इंस्टॉलिंग व्हाट्सएप इज मैंडेटरी ऑन द नंबर एल्स योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड। अगर आप कोई भी गलत नंबर देते हैं या फिर अनइंस्टॉल कर देते हैं अपना व्हाट्सएप या फिर कोई भी दिक्कत करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, व्हाट्सएप इंस्टॉल रहना चाहिए, कोई भी गड़बड़ मत करना व्हाट्सएप के अंदर, मतलब, ठीक है। और वही नंबर देना जिसमें व्हाट्सएप चल रहा हो आपका, ठीक है। उसके बाद आपको यस कर देना है। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल सही डालना है। ईमेल एड्रेस का ध्यान रखना, वही ईमेल देना जो आपका एक्टिव रहे, स्टोरेज वगैरह भरा ना हो उसमें, वरना फिर ईमेल में जो मैसेजेस होते हैं वो शो नहीं होते हैं, आते नहीं हैं वो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो दी हुई है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसको करने के बाद देन इसको कर लेना, ठीक है, आप अपने हिसाब से। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्टेट वगैरह यहाँ पर आपको चूज़ कर लेनी है जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है जिस भी सिटी में आप रहते हैं। मैरिटियल स्टेटस यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जो ये रेड स्टार दिख रहा है ये मैंडेटरी है, इसको फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप फीमेल हैं तो मोस्टली यहाँ पर जो है मैरिड भी होंगी और अनमैरिड भी होंगी, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद सेलेक्ट द लैंग्वेज डैट यू कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। तो गाइज अगर आप किसी और स्टेट से हैं जहाँ पर गुजराती, तेलुगू, तमिल वगैरह चलती है, बंगाली चलती है, तो आप अपने हिसाब से उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है। ये नहीं कि आपको बस तमिल ही आती है तो तमिल ही करेंगे, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मैंशन किया है हिंदी और इंग्लिश आपकी मैंडेटरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको इन दोनों के अलावा भी कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक एडिशनल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। आर यू स्पेशली डिफरेंटली एबल, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पर जो है आपको डालना है, मैंने यहाँ पर डाला नहीं है इसलिए मेरा हुआ नहीं है, तो मैं एक बार आपको डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, अभी कुछ और भी है यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ फटाफट, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सो गाइज इसको करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कितनी की है वो यहाँ पर आपको बतानी है, 10-12 बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर आप बैचलर डिग्री या 12th यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10th के स्कोर बताने हैं, कितना आपने स्कोर यहाँ पर जो है किया है, तो यहाँ पर जो भी आपका स्कोर हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 12th का यहाँ पर स्कोर आपको बताना है, वो भी आप सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो सिंपली नेक्स्ट पर मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक, और साथ में यहाँ पर अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं या फिर फुल टाइम है तो आप यहाँ पर इनको बता सकते हैं।
पास्ट वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, फ्रेशर एंड नॉन एक्सपीरियंस। उसके बाद हाउ मेनी आवर्स डेली यू आर रेडी टू वर्क बिटवीन 9 to 7 PM, तो यहाँ पर आपको बताना है कितने घंटे आप इनको दे सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 4 से 5 घंटे या फिर 3 से 4 आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, तो मैं इस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके पास फ़ोन है डेडिकेटेड, जो आपका खुद का पर्सनल फ़ोन हो, तो यहाँ पर येस कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो फटाफट मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ इसको। फिर लैपटॉप और डेस्कटॉप है, येस कर देना है, ठीक है। नो मत करना, एप्लीकेशन डेफिनेटली आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, देन इसको करने के बाद आपको अपने मोबाइल इंटरनेट और वाईफाई ब्रॉडबैंड में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़र मोबाइल इंटरनेट वाले होते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास है, यहाँ पर आपको येस करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, येस कर देना है, ठीक है। जिनका नहीं है भाई बनवा लो, वैसे तो सभी का ही होगा इस टाइम तो, ठीक है। इज़ योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिंक, अपना लिंक नहीं है अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो वो भी करा लेना और नेक्स्ट कर देना। सो गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना है येस, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी इस फॉर्म को बताता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो उसके बाद आपको सेल्फ ट्रेनिंग यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी खुद से ही, तो आप उसके लिए यहाँ पर रेडी हैं, तो यहाँ पर आपको येस करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये फॉर्म बस कंप्लीट ही होने वाला है। योर ऑन मोबाइल यूज़, तो यहाँ पर आपको येस कर देना है, सिंपल है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट से। आर यू जस्ट 2 स्टेप अवे फ्रॉम सिलेक्शन, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने से सिर्फ 2 स्टेप ही दूर है, जहाँ पर आपको सबसे पहले आप यहाँ पर टेस्ट देना है। टेस्ट किस तरीके से देना है, बिल्कुल सबसे ईजी फंडा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, गूगल पे जाना है, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लाइव दिखाऊंगा बिल्कुल। और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो टेस्ट बुक का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। टॉपर वाली वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर जाके आप इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ये पेस्ट किया तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाती है टेक्स्ट बुक की। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर 4 ऑप्शन वो सेम टू सेम एज इट इज़ आ चुके हैं। तो अब इसमें से आंसर आपका कौन सा रहने वाला है वो भी देखेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर जो है इसका वो सूप है, यानी कि ऑप्शन 2 जो कि इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके गूगल से इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रहे, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं आंसर भी बता दूंगा कमेंट में ही, तो टेंशन मत लेना, ओके। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको कर लेना, और करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अभी मैं फटाफट से इसको भी कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फाइनल स्टेप जो है आपका वो है अपलोड सेल्फी वीडियो। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करनी है सेल्फी, उसके बारे में डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से करनी है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल वीडियो बनानी है, किस तरीके से क्या काम करना है, क्या बोलना है, वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ लेना और इसको अच्छे से लिख लेना कहीं पर, और अपना जो है सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर आपको जो है ड्राइव में यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी ड्राइव की, जहाँ पर आपको ये अपलोड करनी है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको जो है किस तरीके से ड्राइव पे अपलोड करनी है वो यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस बता रखा है, इसको भी देख लेना अच्छे से, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, उस ड्राइव का जो लिंक है वो यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ठीक है। जो वीडियो आपने डाली है ड्राइव पे, उस ड्राइव का लिंक यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करेंगे कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म, और आपको यहाँ पर वेट करना है विद इन 1 वीक का। डेफिनेटली कंपनी आपको 3 to 4 डेज में कर लेगी, मैक्सिमम 1 वीक रहता है, ठीक है। तो आपको मेल आ जाएगा, एक्टिव रखना अपनी सारी ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आई होप के गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ यहाँ पर लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।